Hello, guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about sexual disorder of chapter 10th, mental health nursing. In my previous video, I have explained about in my previous video, I have started chapter 10th of mental health nursing and I have explained about personality disorder. If you haven't watched that video, you can check that video. So, guys, without any further delay, let's start the video. Sexual disorder is divided into four types. So, first one is gender identity disorder. सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसडर थर्ड वन इज़ पैराफीलियस और डिसऑर्डर ऑफ सेक्शुअल प्रेफरेंसेज एंड फोर्थ वन इज़ सेक्शुअल डिसफंक्शन सो गाइज वी विल स्टडी अबाउट ऑल ऑफ़ दम इन डिटेल सो फर्स्ट सेक्शुअल डिसडर है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर सो ये क्या होता है सेंस ऑफ वन मस्क्यूलिनिटी और फैमिनिटी इज डिस्टर्ब्ड सो जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है इसके अंदर पर्सन की जो मस्क्यूलिनिटी होती है और फैमिनिटी होती है ठीक है वो डिस्टर्ब होती है ठीक है नाउ जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है वो भी वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है सो फर्स्ट वन इज़ ट्रांससेक्शुअलिज्म सो गाइस ट्रांसैक्शुअलिज़म क्या होता है इसके अंदर जो पर्सन होता है वो अपना जो जेंडर होता है उसको चेंज करना चाहता है क्योंकि वो अपने जेंडर के साथ हैप्पी नहीं होता ठीक है खुश नहीं होता इसके लिए वो अपने जो जेंडर है उसको हमेशा चेंज करने की उसमें रहता है सो so, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है फर्स्ट तो उस पर्सन को काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सकती है ठीक है एंड सेकेंड उसका जो सेक्स है वो चेंज करवाया जा सकता है टू डिजायर जेंडर सो गाइज जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में सेकेंड टाइप होता है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर फॉर चाइल्डहुड सिमिलर टू ट्रांस सेक्शुअलिज्म वेरी अर्ली एज सो so गाइज इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जो चाइल्ड होते हैं अपनी अर्ली एज में ही ठीक है अपने जो जेंडर होता है उसको चेंज करवाना चाहते हैं ठीक है वो अपने जेंडर के साथ हैप्पी नहीं होते सो थर्ड टाइप होता है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में ड्यूअल रोल ट्रांसफेस्टिज्म सो so, इसके अंदर क्या होता है वियरिंग क्लोथ्स ऑफ अपोजिट सेक्स इन ऑर्डर टू इन्जॉय टेम्प्रेरी एक्सपीरियंस बट विदाउट एनी डिज़ायर ऑफ परमानेंट सेक्स चेंज सो ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज़म में क्या होता है इसके अंदर जो पर्सन होता है वो अपोजिट सेक्स के क्लोथ्स पहनता है ठीक है जो टेम्प्रेरी एक्सपीरियंस होता है उसको इंजॉय करने के लिए ठीक है बिना किसी परमानेंट चेंज की डिज़ायर के ठीक है सो नेक्स्ट टाइप आता है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का इंटरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर सो इसमें क्या होता है जो पेशेंट होता है है, उसका जो एनाटॉमिकल और जो फिजियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वो अपोजिट सेक्स के होते हैं ठीक है जैसे इसके एग्जांपल हो गए टर्नर सिंड्रोम हो गया ठीक है हर हो गया ये इसकी कुछ एग्जांपल हैं सो so गाइस जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं फर्स्ट थेरेपीज सो पेशेंट को थेरेपी प्रोवाइड करके ठीक है अच्छे से काउंसलिंग प्रोवाइड करके एंड उसका जो जेंडर है चेंज करवा के टू डिज़ायर जेंडर ठीक है ऐसे इसको मैनेज किया जा सकता है सो so गाइस this was all about gender identity disorder next we will study second type of sexual disorder psychological and behavioral disorder so iske andar kya aata hai jaise homosexuality इसमें क्या होता है जो sexual relationship होते हैं वो same gender के person के साथ होते हैं ठीक है थीके? होमोसेक्सुअलिटी होती है ये जब जो रिलेशनशिप है जो सेक्शुअल रिलेशनशिप है वो सेम जेंडर के पर्सन के साथ हो तो ये होता है जैसे मेल का है वो रिलेशनशिप है सेक्सुअल रिलेशनशिप दूसरे मेल के साथ है तो वो क्या होता है गे होता है और जो फीमेल है उसका दूसरी फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो उसको कहेंगे लेस्बियन ठीक है नाउ इसके कुछ ट्रीटमेंट होते हैं ट्रीट कैसे कर सकते हैं जो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डिसऑर्डर होते हैं फर्स्ट बिहेवियरल थेरेपी ठीक है जो पर्सन होता है उसको बिहेवियरल थेरेपी प्रोवाइड करके ठीक है नेक्स्ट अवर्जिन थेरेपी अवर्जिन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है होमोसेक्सुअलिटी को ट्रीट करने के लिए नेक्स्ट ट्रीटमेंट है कोवर्ट सेंसिटाइजेशन एंड नेक्स्ट है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन सो ये क्या होते हैं ये एक तरीके की बिहेवियरल थेरेपी होती है ठीक है बिहेवियर थेरेपी होती है जिसके अंदर जो माल अडेप्टिव बिहेवियर होता है पर्सन का उसको प्रिवेंट किया जाता है एंड जो अडेप्टिव बिहेवियर होता है उसको प्रमोट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जा सकती है पेशेंट को ठीक है नेक्स्ट साइको एनालिटिकल थेरेपी प्रोवाइड की जा सकती है ताकि जो साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर है मेनली जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको प्रिवेंट करने के लिए सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर इज पैराफीलियस और डिसऑर्डर ऑफ सेक्शुअल प्रेफरेंसेस सो ये क्या होता है सेक्शुअल अराउजल ओ persistently in response to objects which are not a part of normal sexual arousal. So guys iske andar kya hota hai iske andar sexual arousal अक्कर होता है उन objects के लिए जो कि normal sexual arousal के part भी नहीं होते ठीक है उनके लिए sexual arousal अक्कर होता है patient का. So इसके भी कुछ parts होते हैं. ठीक है सो फर्स्ट वन इज़ फैटीसीज़म सो गाइस फैटीशिज़म में क्या होता है इसके अंदर सेक्शुअल अराउज़ल होता है पर्सन का जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ सेक्शुअल अराउज़ल होता है ठीक है वे ऑब्जेक्ट्स जो कि पर्सन के साथ इंटीमेटली एसोसिएटेड होते हैं ठीक है जो ह्यूमन बीइंग होता है उन ह्यूमन बीइंग के साथ जो ऑब्जेक्ट्स इंटीमेटली एसोसिएटेड होता है ठीक है उनके साथ जो उनका क्या होता है सेक्सुअल अराउज़ल होता है ठीक है जैसे ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए जो फैटिश ऑब्जेक्ट हैं जैसे ब्राज हो गई अंडर पेंट हो गई शूज हो गई ग्लव्स हो हो गई ये कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं नॉन लिविंग या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ सेक्शुअल अराउज़ल अक्कर होता है पर्सन का नेक्स्ट टाइप होता है पैराफीलियस या डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंसेस का ट्रांस वेस्टिज्म इसमें क्या होता है इसमें सेक्सुअल अराउज़र होता है जब पर्सन किसी दूसरे अदर सेक्स के पर्सन के क्लोथ्स पहन लेता है जब ठीक है सो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर सेक्सुअल सेडिज्म सो सेक्सुअल सेडिज्म में सेक्सुअल अराउजल होता है सेक्स पार्टनर्स का जब फिजिकल साइकोलॉजिकल ह्यूमिलेशन या इंजरी हुई हो उनके साथ या किसी तरीके का टॉर्चर हुआ हो तब जो सेक्स पार्टनर होते हैं उनका क्या होता है सेक्सुअल अराउजल होता है सो so, इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट होता है सेक्सुअल मेकोइम इसके अंदर क्या होता है सेक्सुअल अराउजल अकर्ड आफ्टर गेटिंग टोर्चरड बाय द सेक्सुअल पार्टनर सो सेक्शुअल मेकाइज़म क्या होता है इसके अंदर जब एक पार्टनर अपने जो उसका जो सेक्शुअल पार्टनर होता है उसको टॉर्चर करता है ठीक है सो उसके बाद जब उनके बीच में जब सेक्शुअल अराउज़ल होता है तो उसको क्या कहते हैं सेक्शुअल मेकाइज़म सो नेक्स्ट टाइप होता है इसके अंदर एक्जीबिशन ठीक है सो इसमें इसमें क्या होता है इसमें सेक्सुअल अराउजल होता है जब जो जेनिटलिस हैं वो फिजिकल पब्लिकली शोन होते हैं ठीक है तो उसके बाद क्या होता है सेक्सुअल अराउजल होता है तो उसको क्या कहते हैं ठीक है सो नेक्स्ट टाइप होता है इसके अंदर वो सो so गाइस इसके अंदर क्या होता है सो so, इसके अंदर सेक्शुअल अराउज़ल अक्कर होता है ठीक है जब सेक्शुअल पार्टनर को एक तो नेक्ट देखा जाए और जब देखा जाए कि वो इंगेज है किसी सेक्शुअल एक्टिविटी में ठीक है तो उसके बाद क्या होता है सेक्शुअल अराउजल होता है इसमें सो so, इसके अंदर नेक्स्ट टाइप होता है फ्रोटरिज़म ठीक है so सो इसमें क्या होता है इसमें टच किया जाता है और रब किया जाता है ठीक है अगेंस्ट नॉन कंसेंटिंग पर्सन ठीक है बिना कंसेंट के पर्सन के ठीक है उस पर्सन को टच किया जाता है ठीक है रब किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं फ्रोटी यूरिज्म नेक्स्ट टाइप है पीडोफीलिया सो so इसके अंदर क्या होता है persistent और recurrent involvement ऑफ अडल्ट इन sexual एक्टिविटी विद pre pubertal चिल्ड्रन सो so, इसके अंदर क्या होता है सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जो प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन होता है ठीक है बार बार उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है ठीक है जो चिल्ड्रन जो जो अभी अपनी प्यूबर्टी की एज तक भी नहीं पहुँचा है ठीक है उसके साथ क्या होता है सेक्शुअल जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जाती है नेक्स्ट है ज़ूफीलिया इसके अंदर क्या होता है सेक्शुअल रिलेशनशिप होते हैं एनिमल के साथ सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट पैराफीलियस और डिसऑर्डर ऑफ सेक्शुअल प्रेफरेंसेस नाउ हाउ टू ट्रीट दिस डिसऑर्डर नाउ पैराफीलियस जो डिसऑर्डर होता है उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं फर्स्ट है बिहेवियर थेरेपी और अवेजिन थेरेपी ठीक है बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करके ताकि एक पी से ताकि एक प्रॉपर बिहेवियर क्रिएट किया जा सके ठीक है प्रमोट किया जा सके पॉजिटिव जो बिहेवियर होता है उसको साइको एनालिसिस ठीक है इसमें भी क्या होता है जो मेनली फोकस किया जाता है मेनली बिहेवियर पर फोकस किया जाता जो है जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनके ठीक है, ठीक है ताकि जो माल अडेप्टिव बिहेवियर होता है उसको प्रिवेंट किया जा सकते हैं एंड जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर जैसे हेलोपेरीडोल हो गई एंटीसाइकोटिक ड्रग ठीक है इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए सो गाइज नेक्स्ट डिसऑर्डर है सेक्शुअल डिसफंक्शन फोर्थ एंड लास्ट डिसऑर्डर होता है ये सो so इसके अंदर क्या होता है इसमें डिस्टर्बेंसेज होती है जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल होती है पर्सन की ठीक है उसमें क्या होती है डिस्टर्बेंसिस होती है ये अंडरलाइन जो ऑर्गेनिक कॉजेज होते हैं उसकी वजह से नहीं होती सो so, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं जैसे फ्रीगिडिटी सो so, इसमें क्या होता है एब्सेंस ऑफ डिज़ायर फॉर सेक्शुअल एक्टिविटी इसमें जो सेक्शुअल एक्टिविटी होती है उसकी जो डिज़ायर होती है वो एबसेंट रहती है नेक्स्ट टाइप है इसका इंपॉर्टेंस इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जो पर्सन होता है ठीक है वो पेनाइल इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे ठीक है नेक्स्ट है प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन इसके अंदर क्या होता है जब इजैक्यूलेशन हो जाए सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले ही तो उसको कहते हैं प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन नेक्स्ट है नॉन ऑर्गेनिक वेजिनिज्म इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर बिना किसी डिजीज़ कंडीशन के जो वन थर्ड पार्ट होता है वेजाइना का वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ठीक है नैरो हो जाता है एंड इंटरफेयर करता है कॉइटस में या सेक्सुअल एक्टिविटी में नेक्स्ट टाइप होता है इसके अंदर नॉन ऑर्गेनिक डिसपेरी यूनिया सो इसके अंदर क्या होता है जो जेनाइटल एरिया होते हैं उनमें पेन होता है ठीक है आइदर मेल और फीमेल के कोइटस के टाइम इन सेक्शुअल एक्टिविटी के टाइम ठीक है सो so, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं साइको एनालिस से ठीक है हिप्नोसिस हो गया ग्रुप साइकोथेरेपी हो गया एंड बिहेवियर थेरेपी हो गया सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शुअल डिसडर एंड Thank you for watching my video. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.